अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। जैसे आप सब ने देखा कि वेस्ट इंडीज़ और जो इंडिया का जो कल मैच खेला गया, जाहिर सी बात है ये वेस्ट इंडीज़ को भी पता था कि जो इंडिया की टीम है वो बाउंस बैक करेगी, क्योंकि जिस तरीके से पहला वनडे वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जीता, इंडिया के लिए थोड़ा सा मायूसगन था, क्योंकि 287 रन्स जो होते हैं वो इंडिया की कंडीशन के हिसाब से किसी भी टीम को अगर रन्स चेस करना वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडिया के पास बॉलर्स भी बड़े अच्छे हैं, रिवर्स स्विंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, नया बॉल भी बड़ा अच्छा करते हैं, स्पिनर्स भी बड़े अच्छे हैं उनके पास। उसके बावजूद जिस तरीके से हेटमायर ने और होप ने पहले वनडे के अंदर जैसा परफॉर्म किया, मेरे ख्याल है इंडिया की टीम को थोड़ा सा तो झटका लगा होगा, लेकिन कल जिस तरीके से इंडिया की टीम ने परफॉर्म किया वो 100% श्योर था कि इंडिया की जो टीम है वो बाउंस बैक करेगी, और वो किया। और ये भी श्योर था कि रोहित शर्मा या के राहुल में से कोई ना कोई ऐसा, या विराट कोहली में से कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होगा जो परफॉर्म करेगा। अगर हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, देखिए बड़ा जो प्लेयर होता है उसकी उसकी एक क्लास बड़ी ज़बरदस्त होती है, और जो कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो देख देख के, क्रिकेट को देख देख के वो समझ जाते हैं। वो क्या होती है कि जो बड़ा प्लेयर होता है वो अगर 2 से 3 मैचेस में रन नहीं करता तो उसके बाद उसके ऊपर रन्स ड्यू हो जाते हैं, रन्स टीम ड्यू भी होते हैं टीम के लिए, और उसको खुद भी वो फिक्र होती है कि मैंने रन्स करने हैं, स्पेशली ओपनर। और जो ओपनर होता है उसको उसके ऊपर वैसी प्रेशर होता है कि मेरा नाम इतना बन चुका है, मैंने परफॉर्म करना अपनी टीम के लिए, क्रूशियल वनडे है। तो बड़ा प्लेयर इसीलिए ही 2-3 इनिंग के अंदर अगर कुछ नहीं करता तो वो ज़रूर परफॉर्म करता है, जो कि रोहित शर्मा की सूरत में हमें नज़र आया। एक चीज़ और, बड़े प्लेयर की एवरेजेस क्यों बेहतर होती हैं, उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो जिस तरीके से रन्स करता हुआ आ रहा होता है, जिस एवरेज के साथ वो रन्स करता हुआ आ रहा होता है, उस एवरेज को मेंटेन करने के लिए अगर वो 2-3-4 इनिंग्स में कुछ नहीं करता तो आपने देखा होगा हमेशा कि बड़ा प्लेयर हमेशा पे बड़े रन्स करता है, 100 करता है, 150 पे जाता है, 150 से ज़्यादा रन्स करता है। तो जब आप 2-3 इनिंग में कुछ नहीं करते तो फिर आप एक इनिंग में बड़े रन्स करके आप उस एवरेज, जो पिछली आपकी एवरेज ख़राब हुई होती है कुछ मैचेस में, आप उसको कवर करते हैं। फिर इसीलिए जो बड़े प्लेयर होते हैं उनकी एवरेजेस, जब उनका कैरियर ख़त्म भी होता है उनमें उनकी एवरेजेस वही रहती हैं, 50-55, या बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी खेल गया तो 57-58, इस तरह की उसकी एवरेज रहती है। क्योंकि उसके लिए एक लाजमी हो जाती है एक चीज़ कि वो अगर इतना बड़ा नाम है और अगर आपने उसने एवरेज अपनी मेंटेन करनी है तो वो फिर इसी दिन बड़े रन्स करके अपने पिछले मैचेस को कवर करता है। अगर हम के राहुल की बात करें, देखें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, के राहुल के अंदर टैलेंट बहुत है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इस टाइम जितनी भी बड़ी टीमें हैं उनके अंदर, अगर हम पहले भी मिसाल अगर लें, अगर बड़े प्लेयर खेलते थे तो उनके साथ जब एक जूनियर आता था वो उनके साथ रह के खेल के बहुत कुछ सीखता था, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट, उस जूनियर की क्रिकेट बड़ी अच्छी हो जाती थी। अब तो लीग्स वगैरह इतनी शुरू हो गई हैं कि वो जो जूनियर आता है उसको लीग्स में बड़े नाम, कोचिंग स्टाफ में बड़े लोग, ये जब आते हैं तो उसकी क्रिकेट जल्दी इम्प्रूव होने लग जाती है, स्किल्स जो है अपनी उसकी जल्दी इम्प्रूव होती है। अगर हम इंडिया की बात करें, जब इतने बड़े बैटिंग लाइनअप थी इंडिया के पास तो उनके बीच में जब विराट कोहली आया तो नो डाउट विराट कोहली में बड़ा टैलेंट था, रोहित शर्मा में बड़ा टैलेंट था, लेकिन जब आप इतने बड़े नामों के बीच में जब आते हैं ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बड़ा अच्छा हो जाता है, उसके बाद आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जब आप इतने बड़े प्लेयर्स के साथ डग आउट में रहते हैं और टीम के साथ अपनी थिंकिंग, अपनी सोच जब शेयर करते हैं, फिर वो अपनी चीज़ें आपको बताते हैं, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो के राहुल या जो और अय्यर एक लड़का है, फिर उसके बाद टेस्ट मैच में अग्रवाल आए, मतलब जो नए लड़के आए, जो नए बैटिंग लाइनअप आई है इनके पास, उनके पास ये बड़ा एक्सपीरियंस है कि उनके पास रोहित शर्मा
और विराट कोहली जैसा बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर और परफॉर्मर है उनके पास, तो नए लड़कों को 100% उनसे बड़ा फायदा होता होगा। आप एक चीज नोट करिएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि के राहुल का अभी खेलने का स्टाइल देखें और जब वो आया था उस टाइम खेलने का स्टाइल देखें, आपको बहुत फर्क लगेगा। कभी कभी अब जब वो खेलता है, आप उसकी कल की इनिंग में देखें, वो कभी कभी ऐसे खेलता है, कभी कभी ऐसे शॉट्स खेलता है, ऐसे लगता है रोहित शर्मा ने ये शॉट खेला है। मतलब बहुत फर्क पड़ जाता है किसी एक्सपीरियंस ओपनर के साथ, ये एक्सपीरियंस जो प्लेयर होते हैं टीम के अंदर। अब एक चीज मैं वेस्ट इंडीज को बता दूं कि अब रेडी हो जाएं कि तीसरे वनडे के अंदर ये ना विराट कोहली शो कर दे, क्योंकि विराट कोहली के ऊपर डी हो गया और विराट कोहली जितना बड़ा नाम, जितना बड़ा प्लेयर है, वो अब अंदर से परेशान हो रहा है कि मैंने भी शो करना है अगले। परेशान का मतलब ये कि बड़ा प्लेयर होता है उसकी भी कोशिश होती है कि मैं भी अब शो करूं। अब मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे वनडे में ये शो ना कर दे, क्योंकि पहले वनडे में अब देखें पंट ने और अय्यर ने रन्स किए, ओपनर ऊपर से कुछ नहीं हुआ। दूसरे वनडे में दोनों ओपनर ने शो किया, 227 पे पहली विकेट गिरी, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने कीन थे और कितनी ट्रू बैटिंग विकेट थी। और उसके बाद जिस तरीके से बैटिंग की, 70 रन पे 70 पे कैच छुटा रोहित शर्मा का, लेकिन जब इतनी आप बड़ी इनिंग खेलते हैं 159 की, उसमें कैच छुटते ही छुटते हैं, चांसेस मिलते हैं, बहुत कम ऐसे होता है जब आप इतनी बड़े रन्स करते हैं तो उसमें कोई चांस आप ना दें, बहुत कम होता है, वरना एक से दो चांसेस आपको मिलते ही मिलते हैं। तो उसने जिस तरीके से बैटिंग की, जिसने शॉट्स, मैंने आपसे पहले बोला है कि जिस तरह वो शॉट्स खेलता है, हुक मारता है या सीधे शॉट्स मारता है, हर तरफ खेलता है और नीट एंड क्लीन शॉट्स खेलता है, तो मज़ा आता है रोहित शर्मा को देख के। उसके साथ साथ उसके बाद आके जिस तरीके से पंट ने मारा है, फिर उसके बाद अय्यर ने मारा है, अय्यर ने आई थिंक 50 किए हैं शायद, उसकी वजह ये क्योंकि जब आपको इतना अच्छा स्टार्ट ऊपर से मिल जाता है तो फिर जो नीचे के प्लेयर्स होते हैं वो फिर उनका भी कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होता है, टीम गिरी भी होती है नीचे, रन इतने बने हुए, उसके बाद आके वो एकदम से वो भी अटैक करने लग जाते हैं, तो टीम वैसे ही गिरी भी होती है, तो वो और उनको मार पड़ने लग जाती है। आई थिंक इतना ज़्यादा टोटल 387 का मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से पूरन ने और शे होप ने रन्स बनाने शुरू किए 192 रन से आई थिंक 28-29 ओवर में, उस टाइम मेरे ख्याल में कमेंटेटर भी बोलना शुरू हो गए कि ये जो रन्स है, क्योंकि वो दोनों जिस टाइम खेल रहे थे तो उस टाइम 9.5 रन्स की इकोनॉमी थी पर ओवर बनाने थे, तो इतने ज़्यादा नहीं है आजकल की क्रिकेट के हिसाब से, 10-10-12 रन चेज हो जाते पर ओवर के अंदर, तो ये दोनों जैसे खेल रहे थे तो 9.5 चेज बनते थे। लेकिन जिस तरीके से कुलदीप ने हैट्रिक की, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, लेकिन मेरी नज़र में मैच इंडिया के हाथ में आया जब शमी ने दो आउट किए, जब पूरन को आउट किया, उसके बाद फौरन जब पोलार्ड को आउट किया, आई थिंक 30 ओवर चल रहा था, तो उसमें मैच ख़त्म हो चुका था। हैट्रिक होती है जो कुलदीप ने की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैच उस टाइम ख़त्म हो गया था जब शमी ने आउट किया। तो आप ये देखें कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है, अभी आप देखें चाहल नहीं खेल रहा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो टीम के साथ हैं और परफॉर्मेंसेज हैं पहले उनकी। अकेले कुलदीप ने और जडेजा ने जो बॉलिंग की है, तो स्पिनर्स का ऑप्शन भी बड़ा अच्छा है इंडिया के पास। तो आप ये देखें कि नया बॉल करने के वाले भी बॉलर्स इनके पास हैं, अब विकेट ब्रेक थ्रू दिलाने, अब शामी जिस टाइम आए, कप्तान लाई इसीलिए थे उनको कि आप हमें ब्रेक थ्रू लेके दें, और उन्होंने ब्रेक थ्रू लेके दिया, जैसी बॉलिंग की उन्होंने चांस लिया। हालांकि उससे पिछले एक ओवर में आप देखें पूरन ने उनको मारा भी है, हुक पुल मारा जिस पे चौका भी हुआ, लेकिन उन्होंने फिर ट्राई किए, उस पर उनको विकेट मिली। तो कप्तान का जो कॉन्फिडेंस है वो इसी तरह ही अच्छा होता, क्योंकि जब उसको पता है कि मेरे पास ऐसे बॉलर्स हैं कि वो मुझे ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं और मैच जितवा सकते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो इंडिया ने कल जो क्रिकेट खेली है वो बहुत ज़बरदस्त खेली है, और ज़्यादातर मैंने हमेशा देखा है कि जो इंडिया की जो टीम है वो अब आप एक चीज़ देखिएगा कि
क्रिकेट किस तरफ जा रही है। एक टाइम ऐसा था कि लोग ये सोचते थे कि जी 250 रन कर दो, 220 रन कर दो, 230 रन कर दो, हम लोग मैच जीत जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आप देखें क्रिकेट कितनी कितनी चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ T20 क्रिकेट, कितनी चेंज हो चुकी है। अब आप 350-400 रन भी करने का सोचते हैं तो कहते हैं कि अगर हम कर भी लेंगे तो वो भी चेज हो सकते हैं। क्रिकेट इतनी मुश्किल हो गई है स्पेशली बॉलर्स के लिए, क्योंकि इतने रन्स भी बचाना मुश्किल हो गए हैं, पिचेस बड़ी फ्लैट हो गई हैं, रन्स बनते हैं अब। अब पहले ओवर से अटैकिंग क्रिकेट शुरू हो जाती है, पहले तो ऐसा नहीं होता था ना, पहले तो स्विंग चेक करते थे, लेफ्ट करते थे, देखते थे कितना स्विंग हो रहा है, टाइम लेते थे, लेकिन अब नहीं है। तो मज़ा भी आता है क्रिकेट देखने का, लोगों को भी बड़ा मज़ा आता है। कल इंडिया की आवाम ने जिस तरह इंजॉय की है मैच को, अपनी टीम को जिस तरह सपोर्ट की है, उसके बाद मज़ा आया जब कुलदीप ने हैट्रिक की तो शोर शराबा बड़ा ज़बरदस्त था। तो आवाम का भी सपोर्ट करना प्लेयर्स को बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जाहिर पता है अगर आप अपनी होम टीम को सपोर्ट करेंगे अच्छे तरीके से तो फिर उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं ऐसी ही नज़र आएंगी जैसी रोहित शर्मा ने दी, के राहुल ने दी, कुलदीप ने दी, शामी ने दी, तो वो जो एनर्जी लेवल है वो एकदम से हाई हो जाता है, तो फिर वो जो परफॉर्मेंस है वो निकलती है। तो मज़ा आया कल का मैच देख के। ये भी अब देखते हैं कि जो तीसरा वनडे है वो कैसा होता है, लेकिन ये मुझे अब डर लग रहा है कि विराट कोहली की बारी है। लगता है मुझे कि तीसरे वनडे में भी एक बड़ा शो होने वाला है विराट कोहली की तरफ से। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।